तो बहुत लोगों को बरसात वाला गाना और ये मानसून का वेदर बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये एक अभिशाप भी है। जब भी मानसून आता है तो आसाम के लिए ये अभिशाप होता है। यहाँ पे जो जितने भी पालतू जानवर जो पालते हैं, गाय हो, बकरी हो, इन सब को मतलब रहने के लिए मतलब बहुत कठिन होता है, और उनको भी बहुत परेशानी होती है जब बारिश में, क्योंकि वहाँ पे घास खाने के लिए चरने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि जगह जगह पानी जमा हो जाता है और खेत ऐसा है, और ये पानी सीधा डायरेक्ट गाँव की तरफ जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारे गाँव है जो कि लगभग इस पानी के वजह से मतलब पानी हाई हो गया, तो उल्लू का बहुत सारा नुकसान भी हो गया है। और ये जो रास्ता देख रहे हो, यहाँ से ये पूरा गुवाहाटी का जितना भी गंदा पानी है, वहाँ महानगर का पानी है, वहाँ से ये सब यहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। ऐसा टाइम में ये हो जाता है कि मतलब ये अभी मतलब पीक सीजन है खेती करने का, और खेती करने मतलब वंचित हो जाते हैं और लोग खेती भी नहीं कर पाते हैं। तो इसी के कारण से मतलब जो आसाम का जो मानसून का जो सिचुएशन है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है और अलग ही डिफिकल्ट होता है। ये मैं बोल सकता हूँ कि एक अभिशाप है हमारे यहाँ आसाम में हर साल ऐसी ही बारिश होती है, पता है क्यों? लेट्स सी द रीजन एंड अंडरस्टैंड द फिनोमिनल कॉज ऑफ आसाम फ्लड। रीजन नंबर वन, आसाम की गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से 40% एरिया फ्लड वाले एरिया है। रीजन नंबर टू, ब्रह्मपुत्र जो कि आसाम का सबसे बड़ा नदियों में से एक है, उसमें लगभग 50 से भी ज्यादा नदियां मिलती है। रीजन नंबर थ्री, हिमालय और भूटान के जो आसपास के जो इलाके से वहां से पानी आता है वो सब पानी आसाम में ही जम जाता है, तो उससे वाटर का लेवल कुछ ज्यादा ऊंचा हो जाता है। रीजन नंबर फोर, बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन पेड़ काटने से भी यह सिचुएशन और भी वर्स्ट हो रही है। आपको तो पता ही है ग्लोबल वार्मिंग, नेचुरल डिजास्टर के लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन किसी को तो बोलना होगा इसके लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रे फॉर द आसाम, बट वी हैव टू चेंज द थिंग्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, बाय।